हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और इतने दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, जो मेरे पास पहले से बने हुए थे वही मैं डाल रही थी, बस एक दो ही डाले थे। आज कितने दिन बाद स्टार्ट किया है। अभी बस मैं नहा ली हूँ सुबह सुबह, और अभी निकालूंगी जूस, गाजर का जूस निकाल कर पीते हैं। अभी मैं निकाल रही चुकंदर और गाजर को मिक्स करके जूस। जूस मैं ये सुबह सुबह ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि आयु और चाहत को भी पीकर जाना होता है। पहले जब स्कूल जाते थे तो खाना खा कर ही चले जाते थे, जो मैं बनाती थी, पर अब ये खाना नहीं खाते हैं, ये अपना जूस पीकर चले जाते हैं। ये जूसर भी मैं अब की बार ही लेकर आई हूँ नया। लास्ट टाइम तक हम मार्केट में जाकर पीकर आते थे, पर मार्केट में इन बच्चों का मन नहीं करता है, क्योंकि वो अदरक पुदीना वगैरह सब कुछ डाल देते हैं। उनको मना भी करो फिर भी पता नहीं, उनकी मिक्सी से जो निकलता है उसमें उसकी महक सी जरूर रहती है। अब अपना घर पर ये है कि जो चाहे उसका निकाल सकते हैं हम। मैं इसमें पुदीना तो डालती नहीं हूँ, ना ही अदरक डालती हूँ, इसमें सिर्फ गाजर और चुकंदर डाल के ही निकालती हूँ। बबल से बन गए सब। मार्केट की जा रहे, मार्केट की जा रहे। क्या हुआ? मार रही है दीदी। खून निकाल दे। जिसमें कम होगा क्या? जो आपके साइड है ना चक्कू के पास, वो वाला है कम। गाइस जूस बिखर भी गया छानते टाइम, ऐसे लग रहा है जैसे ब्लड हो। और जूस निकालने में ना मजे आते हैं, पर बाद में ये इतने सारी चीजें धोने में मजे नहीं आते, इतना सामान हो जाता है सारा। गाइस आयु और चाहत गए स्कूल और दीपक उनको छोड़ने गए हैं, तो वो पार्क में वहीं घूमने लग जाते हैं। इतने में मैंने सोचा मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। ठंड में ये कपड़े वॉश करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि पानी इतना ठंडा रहता है ना कि पानी में हाथ देने का ही मन नहीं करता। गीजर में से लाकर भी डालती हूँ जब ये धुलते रहते हैं, उसमें दो बाल्टी लाकर डाल देती हूँ। पर ऐसे जब पानी में से निकालने होते हैं तो बार बार कौन गीजर में से लेकर आए। इतनी देर में गीजर में से पानी लेकर आऊँगी, इतनी देर में तो कपड़े भी धुल जाएंगे। और ये कपड़े धोने के बाद सारे कपड़े सबसे ऊपर सुखा कर आने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धूप नहीं आती है। ये जो दिखाई दे रही है थोड़ी सी यही धूप आएगी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ कोई धूप नहीं रहेगी। तो शाम तक क्या दूसरे दिन तक भी कपड़े नहीं सूखते ठंड में? तो गर्मियों में तो यहाँ सूख जाते हैं, गर्मियों में तो जैसे ही हवा चलती है उस हवा से ही सूख जाते हैं, पर ठंड में नहीं सूखते हैं। ठंड में जाना पड़ता है टॉप फ्लोर पर, और इनको लेकर जाओ जब कपड़े को इतनी बुरी तरह सांस चढ़ जाती है ना कि सांस निकलने को हो जाती है। उतारने जाओ जब ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कपड़े सूख भी जाते हैं, वेट भी इनका कम हो जाता है, तो उतार के तो ईजिली से ले आते हैं। वे सब सारे धुल गए हैं, ये एक दो जो हल्के से कपड़े वो यहीं डाल दिए और सारे अंदर डाले, उनको ऊपर सुखा कर आऊँगी अभी। गाइस अभी चाहत और आयु स्कूल से आए थे, और मैं इसको चाहत को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। उससे पहले भी टाइम नहीं हुआ था, तो मैं ऐसे ही बालकनी में ऊपर घूमने लग रही थी। इतनी देर में ही एक लड़का आया, मंच के गेट को खोला मंच के, और उसकी साइकिल उठा के जाने वाला था। मैंने जैसे ही दो तीन आवाज़ लगाई, वो इतनी स्पीड में भागा ना बहुत ज़्यादा, और दरवाजे इतनी स्लो से खोला उसने कि एक इतनी सी आवाज़ तो क्या आ जाए किसी को। ऐसे ही एक दिन हमारे घर हुआ था, पापा की साइकिल को उठा ले जाते, उस दिन पापा ने देख लिया था। पता नहीं यहाँ सारे चोर ही फंसे हुए हैं क्या। अभी बस जाऊंगी नीचे घूमने लग गई थी, मेरे अब तक भी ऐसे धक 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 हो रही है। मंश की साइकिल चली जाती है आज तो, और इसकी तो इतनी कॉस्टली साइकिल है। बस अभी चाहत को छोड़ने जा रही हूँ, रेडियो पर खड़ी हुई है।
भाई अभी पार्क में घूमने के लिए आई थी मैं, आयु को छोड़ने और हमारे पार्क का ये यूज हो रहा है। कपड़े सुखा रखे थे यार, रस्सी खोलनी जा रही है अभी। कपड़े रखे आए? हाँ? कपड़े तो रखे आए, रस्सी एक ही है बंध रही। हाँ ये तो साइड है, वैसे भी छोटी भी है ना, ये शूज सूख रहे। ये फायदा होता है घर के सामने पार्क होने का। अब ऊपर कौन चढ़े सुखाने के लिए? गाइस ये चाहत आई है गोलगप्पे खाने के लिए। ये आयु गए अपनी एकेडमी, कल वो चाचू के साथ खा कर आया था, जी ये खाएगी बिना बताए उसको। कल से इससे रुका नहीं जा रहा, कल से गोलगप्पे खाने, जब से आयु ने बताया मैं गोलगप्पे खा के आया हूँ, इसको भी गोलगप्पे खाने हैं। गाइस इन दोनों को ना इतनी ठंड लग रही है, ब्लैंकेट ओढ़ के खाना चल रहा है इनका। चात ने तो थोड़ा सा ही खाया क्योंकि इसने तो गोलगप्पे से पेट भर लिया। टू प्लेट अच्छा। एक प्लेट खाए थे आपने? दीदी ने दो प्लेट खाए हैं, इसलिए ना खाना खाया। और वो दूध भी रखा आज, भूल गया मैं दूध, तो जा पिया। अब तो बाय, कल रात का दूध पीने। गाइस आयु ना क्यूब सॉल्व करना सीख रहा है, अभी फर्स्ट लेयर ही सीखने लग रहा है। दो दिन से वाइट को कर रहा है, वाइट का भी एक स्क्वायर एक बचा हुआ है, ये कर पाएगा या नहीं देखते हैं अभी इसको। कई बार ये कन्फ्यूज हो जाता है, कई बार कर देता है। फर्स्ट लेयर तो हो गई इसकी, अभी इसकी सेकंड लेयर बच रही है और थर्ड। सेकंड भी इजी है, थर्ड थोड़ी सी मुश्किल है फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में। फर्स्ट लेयर तो हो गई, दो दिन हो गए करते हुए इसको, देखते हैं पूरा क्यूब कब तक सीख लेगा। कब तक सीख लोगे आयु सॉल्व करना? एक साल बाद। एक साल बाद? एक साल लग जाएगी? अरे दे तो, दो दिन में भी आ जाएगा, अच्छे से सीखेंगे तो। गाइस मैं इस क्यूब को ना पूरे को सॉल्व कर लेती थी, पर अभी ना मुझे बहुत टाइम हो गया है सॉल्व किए हुए, तो मैं इसकी फर्स्ट और सेकंड लेयर तो कर लेती हूँ। थर्ड का भी थोड़ा बहुत मेरे माइंड में है पर निकल जाता है। एक बार जब इसकी वीडियो वगैरह देख लूँगी ना सॉल्व करनी, तो फिर से आ जाएगी दिमाग में। अभी नहीं हो रही है, अभी तो फर्स्ट सेकेंड हो रही है। कल एक बार देखती हूँ और फिर इसको पूरे को सॉल्व करके दिखाऊंगी। पहले तो मैं एक मिनट भी नहीं लगाती थी सॉल्व करने में, इतनी फास्ट हो जाता था। आयु बस इसको भी तो घुमाने लग रहा है ऐसे ही पकड़ कर। ट्रिक सीख रहा है घुमाने की, इसने फोन में देखी थी वही सीख रहा है। और आज तो इसने ब्रश भी कर लिया, अपना दूध भी पी लिया, काम करके और रखी हुई बुक पीछे। मुझे अभी आज नींद आ रही है, आज एक घंटा घूम के आई पूरा नॉन स्टॉप पार्क में, तो थक सी गई। ग्राउंड में आयु कह रहा मेरे ग्राउंड में घूमा एकेडमी वाले में। बस मैं अभी सोऊंगी, आयु को भी सुलाऊंगी क्योंकि इसका सुबह उठने का फिर मन नहीं करता, स्कूल जाता है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।